गाइस वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम आपके लिए बहुत टेस्टी डिश लाए हैं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला, जिसे घर पे बनाना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस पनीर बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। देन ये हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, तेज पत्ता, जीरा, लौंग, इलायची, देन काली मिर्च। इसे हल्का सा हम सॉल्टी कर लेंगे। अदरक का टुकड़ा बारीक कद्दूकस किया हुआ, देन एक हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करी हुई, ये बीच में ऐड कर देंगे। फिर हम एक बार भून लेंगे। देन रफली चॉप करे हम अनियन ऐड कर देंगे। ये हमने 2 अनियन को रफली चॉप कर लिया है। हमने 4 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, इन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से चला लेते हैं। देन इसे ढक देंगे जब तक हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक हम इन्हें कुक करेंगे। सो देखिए गाइस 3 से 4 मिनट हो गई है। इसे हम एक बार चेक कर लेंगे हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे पीस के इसकी प्यूरी बना सकें। सो देखिए गाइस हमारे टमाटर प्याज ये ठंडे हो गए हैं। इसमें हमने खड़े मसालों को अलग कर लिया है। देन हम इसे पीस लेंगे, अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेंगे। सो गाइस इसे ग्राइंड कर लेते हैं, इसे अच्छे से इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। देखिए हमारी प्यूरी कितने अच्छे से पीसी है। सो गाइस सबसे पहले डालेंगे पैन में 1 टेबल स्पून घी या 1/2 टीस्पून जीरा, देन 1 टीस्पून देगी मिर्च। इसे एक बार भून लेंगे। अच्छे से ग्रेवी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच देगी मिर्च और ऐड करेंगे। हमने टोटल इसमें 2 टेबल स्पून देगी मिर्च ऐड करा है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमने टमाटर में भी पहले से नमक ऐड किया हुआ था। इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। 1 टेबल स्पून दही, ये हमने फ्रेश दही लिया है। देन 2 टेबल स्पून मलाई, ये फ्रेश मलाई ली है हमने। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से चला लेंगे। गाइस हमारी ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है। अभी इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। सो गाइस ग्रेवी अपनी चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है, थोड़ी थिक हो गई है। देन इसमें हम थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे। हम इसमें 30 मिलीमीटर मतलब 1/4 कप इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। सो गाइस हमारी ग्रेवी बनके एकदम रेडी हो गई है। इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। ये हमने छोटे छोटे क्यूब्स में पनीर को कट कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं ना। पनीर भी हम इसमें ऐड कर देते। हमें पनीर को ज़्यादा नहीं चलाना है, पनीर ज़्यादा चलाने से ये टूट सकता है। अब इसे ढक के हम 1 से 2 मिनट के लिए एक बार और कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। सो अपना पनीर बटर मसाला को हम चेक कर लें। सो देखिए गाइस पनीर बटर मसाला बनके हमारा एकदम रेडी है। आइए इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। सो देखिए गाइस पनीर बटर मसाला बनके एकदम रेडी है। इस पर थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे। देन इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी मलाई। बटर मसाला बनके एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको मेरा बटर पनीर मसाला कैसा लगा।